बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के जलीलपुर में बदमाशों और पुलिस मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों बदमाश जनपद में अब तक कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि इस गोलीबारी में एसओजी टीम का एक सिपाही के पैर में गोली लगने से सिपाही घायल हो गया है। इन दोनों बदमाशों पर अलग अलग इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों बदमाशों ने काफ़ी दिनों से पुलिस की नाक में दम कर रखा था। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के जाटान और घेर रामबाग मोहल्ले के रहने वाले बदमाश शुभम और मोहित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया है। पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे शुभम पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा था, जबकि इसका साथी मोहित पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। काफ़ी समय से पुलिस और एसओजी की टीम इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन दोनों टीमों को सफलता नहीं मिल रही थी। सीओसीटी राजकुमार ने बताया कि थाने की पुलिस और एसओजी टीम को आज सूचना मिली थी कि ये दोनों बदमाश जलीलपुर क्षेत्र में हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर जब घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए इन दोनों बदमाशों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मुठभेड़ में बदमाशों के साथ साथ एसओजी सिपाही अरविंद के पैर पर भी गोली लगी है। सभी घायलों को जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया है। ये शाम को सूचना मिली थी हमारे इंस्पेक्टर चांदपुर को कि दो जिले के दो बदमाश हैं शुभम और मोहित, ये जलीलपुर क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं। तो इस सूचना पर इन्होंने सर्विलांस टीम को कॉल करके तो सर्विलांस प्रभारी और स्वाट टीम को कॉल किया और इन्होंने जाके छापेमारी की, तो वहाँ इनसे डायरेक्ट इनकी फायरिंग हुई। इन्होंने ऊपर फायरिंग की, फायरिंग में एक हमारे सिपाही या स्वाट टीम के वो घायल हो गए, पैर में गोली लगी है और इन दोनों के बदमाशों के भी पैर में गोली लगी। पुलिस की तरफ से सर कितने राउंड गोली चली? पुलिस के तरफ से लगभग पाँच राउंड गोली चली थी। और बदमाशों की बदमाशों की तरफ से भी चार पांच राउंड। सर घटना स्थल कहाँ का सर? घटना स्थल जलीलपुर क्षेत्र में जद्दन है। खद्दन का किस समय अभी एक घंटे पहले की बात है। इधर इस गाड़ी को तो घूमते रहते हैं, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में बदमाशी कई लूटपाट की दोनों घटनाएं की हैं, कई घटनाएं कर चुके हैं हमारे कल भी। Thank you.
एक माह से बिजनौर पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए दो बदमाश, जिन्होंने एक महीने में 15 से ऊपर लूट की घटनाएं कारित की हैं, उसके कई लोगों को इन्होंने चोट भी पहुंचाई है और दो दर्जन से ऊपर इन दोनों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जनपद के टॉप 15 में ये दोनों अपराधी थे और इनके अपराध की वजह से आईजी महोदय द्वारा भी इन पे एक पे 50,000 का रिवार्ड किया गया था और दूसरे बदमाश पे 25,000 का रिवार्ड। आज एक आपराधिक कृत्य करने की सूचना पर पुलिस चाँदपुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें इन दोनों की गोली लगी है, एक हमारे आरक्षी को भी गोली लगी है। साथ में जो इंस्पेक्टर चाँदपुर थे वो चूँकि पहले ही से सजग थे, इनके बारे में ये पूरी हमें जानकारी थी कि ये किसी पे भी गोली मार सकते हैं, तो प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, उन पर भी उन्होंने फायर किया और इत्तेफाक से उन्होंने चूँकि अपनी सुरक्षा कर रखी थी तो वो बच गए, अन्यथा वो भी एक बहुत ही जो घायल होते बहुत ही जघन्य रूप से घायल होते। तो ये कृत्य बहुत ही जो हुआ है आज एक जनपद बिजनौर पुलिस का मोरल बढ़ाने वाला एक बहुत ही साहसिक कार्य किया है और बहुत अच्छी मुठभेड़ हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनपद बिजनौर को और इसमें मैं विशेष रूप से योगदान एसपीसीटी और उनकी टीम को दूंगा। साथ ही जो हमारा जो ये यहाँ पे स्वाट टीम है और थाना चाँदपुर पुलिस है, इनकी विशेष इसमें भूमिका रही है इस अपराधी को गिरफ्तार करने में और लगातार ये पीछे लगे रहे, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि चैलेंजेस बहुत मिले और आपने देखा होगा अखबार में किस तरह से बिजनौर पुलिस का उपहास उड़ रहा था, लेकिन आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी बिजनौर पुलिस सबसे आगे है और हमने इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और लगभग दो दर्जन करीब करीब इनके आपराधिक मामले हैं और कई सारी लूट की घटनाएं इनसे भी और खुलेंगी। साथ में इनके पास से लूट की मोटरसाइकिल, इनके पास से दो तमंचे, कारतूस सब मिले हैं और पुनः पूरी टीम को बधाई और जो रिवार्ड की धनराशि है इनको उसके लिए भी बधाई और इस साहसिक कार्य में जो हमारे आरक्षी ने भी काम किया है वो भी बहुत बधाई का पात्र है और निश्चित रूप से ये एक ऐसा कृत्य है जिसमें कि हम इनके जो भी इनके मेडल की है वो डीजी साहब के मेडल के लिए भी इनको संस्तुति की जाएगी और इस कार्य में इन्होंने बहुत मेहनत की है, आप सभी का सहयोग रहा है।